हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है मेरा मॉर्निंग का क्लीनिंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से मॉर्निंग में क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पर जो है रोटियाँ बन जाने के बाद मैं मूँगफली जो है भून रही थी चूल्हे में, तो बस वही आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस तरीके से चूल्हे में जो मूँगफली भूनी जाती है बहुत ही सौंधी और टेस्टी लगती है। तो बस वही मैं भून रही थी। इसके भून जाने के बाद मैं अपनी क्लीनिंग शुरू कर दूंगी क्योंकि खाना वगैरह मेरा बन चुका है, उसके बाद ही हम लोगों की क्लीनिंग शुरू होगी। तो आज बस नॉर्मल सा रूटीन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, और फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो बस ये देखिए मेरी मूंगफली जो है भुन चुकी है, एक बार की भुन गई है, दूसरी बार की भूनूंगी मैं भी। तो बैगन रखे हुए हैं अंदर उसमें भुनने के लिए, तो पूरी मूंगफली एक साथ नहीं डाल सकती हूँ, वरना पूरी डाल देती एक साइड, क्योंकि बैगन रखे हुए हैं भुनने के लिए। मैंने इस तरीके से जो कि चूल्हे से बैगन मूंगफली कुछ भी भूनो तो बहुत ही टेस्टी और सौंधी लगती है। जिन लोगों ने खाए होंगे उनको पता होगा, जो लोग विलेज से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा। तो ये देखिए मेरी एक बार की मूंगफली जो है भुन चुकी है, मैंने दूसरी बार डाल दी है, और अभी जो गीली गीली मूंगफलियाँ आती हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं खाने में। तो बस जो है मैंने दूसरी बार के लिए मूंगफली डाल दी है। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं पोछा झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगा लेने के बाद जो है मैं कर लूँगी पोछा। तो मतलब यहाँ पे पहले पानी से धो रहे हैं, झाड़ू हम लोगों की हो चुकी है, डस्टिंग भी हो चुकी है, वो रेखा ने कर दी थी, उसके बाद वो बर्तन धोने लगी थी। तो हम लोगों के यहाँ इसी तरीके से रोज पहले पानी डाल के धोया जाता है, उसके बाद जो है पोछा किया जाता है। तो इसमें भी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि पानी नहीं है फिर भी इतना फैला रही हूँ, तो मेरे यहाँ पानी है। और अगर नहीं भी होता है तब भी चाहे हम लोगों को कहीं से भी लाना पड़े, बट इसी तरीके से रोज धुलता है। मेरी मम्मी को पसंद ही नहीं आता है, मम्मी मतलब सासू माँ को। हम लोग तो फिर भी एक बार को पोछा अकेले से काम चला लेते हैं, बट मेरी सासू माँ को जैसे सफाई का फोबिया होता है उसी तरीके का, बस इस तरीके का उनको है। तो मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, बट सफाई करना अच्छी बात होती है। फिर यहाँ पे मैं जो है अच्छी तरीके से धो लूँगी, उसके बाद जो है खटिया वगैरह लगा दूँगी। तो खटिया भारी थी, मेरी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो वो गिरते गिरते बची खटिया, मैं भी साथ में गिरते गिरते बची। तो बस यहाँ पे मैं खटिया एक जैसी लगा दूंगी एक जगह, उसके बाद जो है पूरा वो धो लूंगी, फिर पोछा लगा लूंगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट मत कीजिएगा गलत कि पानी फैला रही हो, पानी फैला रही हो। और आज का जो है मेरा बस इतना ही ब्लॉग है, क्योंकि मैंने जो है क्लीनिंग का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करा है। मेरे पास कमेंट आ रहे थे बहुत ही ज़्यादा कि अपनी क्लीनिंग का वीडियो शेयर करिए, तो बस मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे पानी से मेरा धुल चुका है, तो अब मैं पोछा लगा दूंगी। सामने से भैया आ गया है, नहा के आया था वो, तो कपड़े नहीं उसने अभी डाले हुए थे। अब मैंने उससे बोला कि ऐसे मत घूमो, तो बस जाके वो चला गया है कपड़े पहनने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं पोछा लगा दूंगी, पोछा लगा देने के बाद और अगेन एक बार फिर से जो है बैकग्राउंड से आवाज़ें आएंगी, तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और बस यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पे मैं जो है वो कर लूँगी, पोछा लगा लूँगी। पोछा लगा लेने के बाद कपड़े वगैरह मेरे धुल चुके हैं, तो उनको सुखाने के लिए डालना है, और फिर उसके बाद जो है आंगन भी धुलना है। बाकी के कमरों में जो है पोछा लगा देते हैं, किचन में सब जगह, तो बैकग्राउंड से आवाज़ें आएंगी, प्लीज़ सॉरी उसके लिए। और बच्चे नीचे खेल रहे हैं तो उसकी ही आवाज़ें आ रही हैं। फिर रात में छत में मतलब इस टाइम तो ठीक है, उसके बाद मुझे डर लगता है तो फिर मैं नहीं आती हूँ। डर तो नहीं लगता है, मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है। तो बस यहाँ पर जो है मेरा पोछा हो चुका है, और बच्चे नीचे बहुत ही उथल पुथल मचा रहे हैं, तो उसकी ही आवाज़ आ रही है। तो बस इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे ब्लॉग जो है ठीक से आप लोगों को कैसे लगते हैं बताइएगा ज़रूर। और जब मैं छतरपुर पहुंच जाऊंगी तो आप लोगों को अच्छे ब्लॉग मिलेंगे, अभी थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। बस इसके बाद जो है मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए कि कपड़े सुखाने डाल दूंगी, तो पापा जी थे इसलिए सिर पर पल्लू किया हुआ है और कपड़े सुखा दूंगी। तो एक दिन इनका एक्सीडेंट हो गया था, तो गिर गए थे, तो मतलब गाड़ी से गिर गए थे, तो जरा सा पैंट भी फट गया था, फिर उन्होंने ठीक करवा लिया है।
तो मतलब उनको लग भी गया था, एक्सीडेंट हुआ था, तो बस यहाँ पे मैं सारे के सारे कपड़े सुखाने के लिए डाल दूंगी। और बस मॉर्निंग का यही मेरा काम होता है, खाना वगैरह बन जाने के बाद। तो मैं धीरे धीरे अपना रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करते जा रही हूँ। वो वीडियो अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर। और चलिए फिर अभी आप लोग करिए वीडियो को एंजॉय। मिलती हूँ मैं फिर आप लोगों से। आज का ब्लॉग मेरा इतना ही था, क्लीनिंग का था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा तो मेक श्योर लाइक करके ही जाना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाना। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।